हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स नर्चर आवर माइंड्स। आज हम एक बहुत ही कॉमन सी बीमारी के बारे में बात करेंगे और वो बीमारी है डायबिटीज। अगर हम WHO की रिपोर्ट को माने तो रिपोर्ट कहती है कि पूरे वर्ल्ड में साल में 1.6 मिलियन लोगों की डेथ डायबिटीज के कारण होती है, और अगर इसी तरह चलता रहा तो 2030 तक यानी 2030 तक ये बीमारी सेवंथ लार्जेस्ट किलर होगी। डायबिटीज से मरने वालों की संख्या बहुत ज्यादा हो जाएगी, तो ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक बीमारी है। किसी को भी हो सकती है, क्योंकि आजकल का लाइफस्टाइल, आजकल का खान पान ऐसा है कि ये बहुत जल्दी, इवन देखा गया है कि छोटे बच्चों को भी होना शुरू हो गई है। ये क्रॉनिक मेटाबॉलिक डिजीज है जो ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ने से होती है। अगर इसको सही समय पर नहीं इसकी तरफ ध्यान दिया जाए या थोड़ा सा भी लापरवाही बरती जाए तो ये हमारे वाइटल ऑर्गेन्स को डैमेज कर सकती है, जो कि बहुत ही खतरनाक हो जाता है। वाइटल ऑर्गेन्स में हार्ट, किडनी, लंग्स, हमारी आईज, ब्लड वेसल्स, तो ये इनको भी डैमेज कर सकती है, और जब ये डैमेज होते हैं तभी डेथ का कारण बनते हैं। इस बीमारी को ठीक करने के लिए सबसे पहला तो यही करना होता है कि शुगर बंद करनी चाहिए, मीठा खाना बंद कर देना चाहिए, लेकिन सिर्फ इतना ही काफी नहीं है। इसके लिए बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, एक्स्ट्रा केयर करने की जरूरत है। और अगर ये हो जाए, अगर नहीं भी है, हेल्दी भी इंसान है, तो उसको ये जो मार्केट में मिलने वाले ड्रिंक्स होती है, स्वीट ड्रिंक्स होती है जिसको सॉफ्ट ड्रिंक्स के नाम से भी जानते हैं, और ट्रांस फैट्स होते हैं, वो बिल्कुल नहीं लेने चाहिए। और अगर हम अपनी डाइट में तीनों चीज शामिल करते हैं, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, डाइटरी फाइबर और प्रोटीन, तो ये बीमारी होगी नहीं। चलिए, होगी नहीं वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हो गई है तब क्या किया जाए, उसको कैसे क्योर किया जाए, तो हमारा आयुर्वेद कहता है कि हमारे घर में, हमारे आसपास बहुत सी ऐसी हर्ब्स मिल जाती हैं जिसको यूज करके इस बीमारी से बचा जा सकता है। अगर हो भी गई हो तो उसको रिवर्स कर सकते हैं। इनमें कुछ मसाले भी होते हैं, जैसे अगर हम सौंफ का पानी पिए, उसका एक कंकोशन बना के पिया जाए, तो उससे भी ये बीमारी ठीक हो सकती है। और सबसे उपयोगी जो हर्ब है वो है नीम। नीम हमारे इंडिया में तो बहुत आसानी से नीम मिल जाता है। नीम डायबिटीज के लिए एक कह सकते हैं रामबाण नुस्खा है, बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि नीम की प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा है। वो एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटीवायरल होता है, एंटी बैक्टीरियल होता है, और जो उसके अंदर जो प्रॉपर्टीज हैं वो डायबिटीज के लिए अच्छी है। वो बिना ग्लूकोज लेवल को डिस्टर्ब किए इंसुलिन के रिक्वायरमेंट को 50% तक कम कर देती है। मतलब हमारे ब्लड में जो ग्लूकोज का लेवल बढ़ने से नुकसान हो रहा है उसको 50% तक कम कर देती है। और इसके फायदे इतने ज्यादा हैं कि इसको हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने और गवर्नमेंट ने भी सही माना है, और इसके कैप्सूल्स मार्केट में बड़े आराम से केमिस्ट के पास मिल जाते हैं। तो और ये मैंने बताया कि हमारे यहाँ तो नीम बहुत आसानी से मिल जाता है, तो क्यों ना इस नीम से हम घर में ही ऐसा कुछ बनाए अपने लिए कि ये बीमारी को हम जड़ से भगा दें। आजकल थोड़ा सा टाइम चेंज हो गया। जब हम छोटे थे तो नीम की जब निबोली लगती थी, नीम के फ्रूट को निबोली कहते हैं, तो हम बहुत खाते थे, टेस्ट आता था, और टेस्ट के साथ साथ हेल्थ ठीक रहती थी। लेकिन आजकल तो वो मिलती नहीं है, खास करके शहरों में तो बिल्कुल नहीं मिलती, गांव में तो फिर भी कोई एक आध बच्चा खा लेता होगा, लेकिन आजकल कोई नहीं खाता है इसको। ये सब नेचुरल चीजें पहले अच्छी होती थी। हमारे जो बुजुर्ग होते थे, नानी दादी जो होती थी, वो हमें कहते थे कि नीम का पत्ता खा लो, नीम का जो नया पत्ता आता है, ताजा पत्ता, वो खाया जाए तो बहुत अच्छा होता है। मौसम चेंज के टाइम जब खा लिया तो कई बीमारियों से बच जाते हैं। तो नीम तो वैसे भी एक मेडिसिनल हर्ब है, तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं कि इसका कंकोशन कैसे बनाया जाए कि ये डायबिटीज को आप कह सकते हैं खदेड़ के भगा दे और आपके पास नहीं आने दे। हाँ, इसको अप्रोक्सीमेटली 90 डेज तक आपको, मतलब 3 महीने तक यूज करना होगा,
तब ये इफेक्टिव होता है। दूसरी बात ये कि उन 3 महीने में बीच बीच में शुगर लेवल जांच लेना चाहिए, क्योंकि अगर आपका शुगर लेवल ज्यादा नहीं बढ़ा हुआ है तो 3 महीने तक भी उसको पीने की जरूरत नहीं होगी, हो सकता है पहले ही आपको बंद करना पड़ जाए। फिर उसकी फ्रीक्वेंसी कम कर दें कि रोज ना पी के 15 दिन में 20 दिन में एक बार पी लें। एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटीबायोटिक, एंटीवायरल के साथ साथ नीम की प्रॉपर्टी जो है वो डायबिटीज से होने वाले ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को भी कम करती हैं। तो चलिए बताते हैं कि इसका कंकोशन आपको कैसे बनाना है और कैसे यूज करना है। डायबिटीज के लिए ये खुराक बनाने के लिए हमें चाहिए 1 मुट्ठी भर नीम के पत्ते। नीम का पेड़ हर किसी के घर में तो होता नहीं है कि रोज तोड़े और बना लिया, तो एक बार एक बड़ी सी डंडी लें और उन पत्तों को इस तरीके से निकाल के एक पॉलीथिन में डाल के फ्रिज में रख लें। जब आपको बनाना हुआ इसमें से थोड़े से 1 मुट्ठी भर पत्ते लिए और जूस बना लिया। नीम की प्रॉपर्टीज मैं पहले बता चुकी हूँ, एक बार फिर जल्दी से इसको देख लेते हैं। ये नीम एक मेडिसिनल प्लांट है, इसमें बहुत सारे गुण हैं। ये अगर नीम के पत्ते खाए जाएं तो पेट की बहुत सारी बीमारियों से बचा सकता है। एंटीऑक्सीडेंट होता है, एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल, रिवाइटलाइजर, और इस ये एक तरह से कह सकते हैं कि टॉनिक की तरह काम करता है। अगर इसको पिया जाए तो एक गुड फीलिंग भी आती है। हाँ, पीने में थोड़ा कड़वा लगता है लेकिन उसके बाद जो है वो एक अंदर से एक गुड फीलिंग आती है। तो ये देखिए 1 मुट्ठी पत्ते मैंने लिए हैं और इनको अच्छे से धो लिया, बहुत अच्छे से, क्योंकि पेड़ से उतार के लाए हैं, धूल मिट्टी भी होगी, पॉल्यूशन भी है, तो सब चीज़ निकल जाएगी। बहुत अच्छे से इसको धो लेंगे और अब इस डंडी से पत्ते अलग करेंगे। 1 मुट्ठी हमको सिर्फ पत्ते चाहिए, डंडी निकाल देंगे। अगर डंडी के साथ जूस बनाएंगे तो बहुत तिनके तिनके उसमें रह जाएंगे, इसलिए डंडी निकालना ज़रूरी है। और 1 मुट्ठी पत्ते लेके एक ब्लेंडर में डाल के इसको ब्लेंड करके आप इसका जूस बना लेंगे। ब्लेंडर में नहीं तो आप मिक्सर में भी बना के इसकी चटनी जैसे बना लें ग्राइंडर में डाल के, और उसको पानी में मिला लें तो वो भी जूस बन जाता है। डायबिटीज़ की अगर बात करें तो उसका नेचुरोपैथी के हिसाब से भी डायबिटीज़ में डार्क कलर के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाने चाहिए, वो डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत अच्छे होते हैं। और नीम का तो कलर इतना डार्क है तो ये तो उस हिसाब से भी नेचुरोपैथी के हिसाब से भी बहुत अच्छा रहेगा। अब इस तरीके से इसको हमने ब्लेंडर में डाला, आधा गिलास इसमें पानी डाल लिया और इसको ब्लेंड कर लेंगे अच्छे से, बारीक पीस लेंगे। पीसने के बाद इसको छान लेंगे, क्योंकि जो तिनके होंगे वो अगर जूस हम ऐसे ही पीते हैं तो तिनके मुंह में आएंगे, वो इतना अच्छा नहीं लगता है। एक तो कड़वा जूस, ऊपर से तिनके, तो नहीं पिया जाएगा, इसलिए छानना बहुत ज़रूरी है, बारीक पीसना भी ज़रूरी है ताकि नीम का मैक्सिमम जूस जो है बन पाए और हमें उसका मैक्सिमम फ़ायदा मिल पाए। डायबिटीज़ में आपने सुना होगा करेला भी अच्छा होता है, जामुन की गुठली भी अच्छी होती हैं, तो ये सारी ही चीज़ें कड़वी होती हैं, इनको अगर जूस बना के पिया जाए या वैसे खाया जाए तो कड़वी होती हैं। इसी तरीके से नीम भी कड़वा है, लेकिन नीम के गुण सबसे ज़्यादा हैं, क्योंकि ये पूरा का पूरा प्लांट ही मेडिसिनल होता है, जिसकी मेडिसिन वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। तो देखिए इसको हम एक स्ट्रेनर में से छान लेंगे और जो इसका ऊपर बचेगा सॉलिड पार्ट उसको फेंक देंगे। नीचे जूस हमको मिल गया है और ये जूस डायबिटीज़ के लिए अच्छा है, पेट की हर बीमारी के लिए अच्छा है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हर लिहाज से ये अच्छा है और ये टेस्टेड एंड प्रूवन चीज़ है कि इससे डायबिटीज़ बहुत जल्दी ठीक होती है। आप अगर किसी को है और वो इसको पीता है तो उसको खुद ही इसके फ़ायदे पता चलेंगे। इस ये 90 डेज तक पीना होता है लगातार एम्प्टी स्टमक, और उससे उसके बाद ये पूरा फ़ायदा देता है। हाँ, बीच बीच में शुगर लेवल चेक करवाते रहें, अगर ठीक हो जाए तो इसको जूस की क्वांटिटी कम कर दें, और बाद में बिल्कुल ठीक होने के बाद इसको हफ्ते में एक बार पिया या 15 दिन में एक बार पिया, इस तरीके से भी अपना सकते हैं। ये बिल्कुल टेस्टेड एंड प्रूवन है, कुछ लोगों ने इसको यूज़ किया है और उनके यही रिव्यूज़ हैं कि उससे उनको इससे बहुत फ़ायदा हुआ है और अब वो बिना परहेज के कुछ भी खा सकते हैं। तो देखा आपने, इसको बनाना मुश्किल नहीं है क्योंकि ये आराम से मिल जाता है, कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं, घर के आसपास ही कहीं ना कहीं नीम मिल जाएगा और उसको लेके आप इसको बना सकते हैं।
दूसरी बात ये कि इसको बनाने के लिए आपको ज्यादा तामझाम भी नहीं करना पड़ा, बड़ी आसानी से भी बन गया। और कोई भी चीज जो आपकी हेल्थ के लिए अच्छी है, क्यों मैं ये बात इसलिए बोल रही हूँ कि इसका स्वाद बड़ा कड़वा होता है, जब आप पियेंगे ना तो कड़वापन तो आएगा, लेकिन कोई भी चीज जो आपकी सेहत के लिए अच्छी है, आपको इस खतरनाक बीमारी से बचा सकती है, तो उसको उसके टेस्ट को नहीं देखना है, उसके फायदे को देखना है और उसको आप पीना शुरू कर दें। 100% ये इस बीमारी को दूर कर देगी। हाँ, आप अपने शुगर की जांच करवाते रहें, डॉक्टर से भी सलाह लें, और आई होप, मुझे पूरा यकीन है कि कुछ टाइम के बाद डॉक्टर ही आपको बोल देगा कि बस अब दवाई लेने की जरूरत नहीं है, यू आर परफेक्टली वेल। तो आप इसका फायदा उठाएं, मेरे साथ बने रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।